दुनिया का एक बेहद खूबसूरत देश है मोरक्को। इसके शहरों की खूबसूरती पर्यटकों को करती है आकर्षित। नॉर्थ अफ्रीका का माना जाता है अनोखा देश। मोरक्को अभी भूकंप की त्रासदी झेल रहा है, लेकिन ये देश कई खूबियों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का एक अनोखा देश है, जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से लगती है। यह अफ्रीका के टॉप पर्यटन स्थलों में से एक है। वहीं मोरक्को अपनी प्रभावशाली भौगोलिक विविधता और संस्कृति के लिए भी फेमस है। इसके साथ ही कई ऐसी बातें हैं जिसके लिए मोरक्को बेहद फेमस है। इसकी खूबसूरती दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है। तो चलिए जानते हैं मोरक्को के बारे में सब कुछ। मोरक्को क्यों है फेमस? माराकेच यानी द रेड सिटी। मोरक्को का यह शहर अपनी रंगीनियों के लिए जाना जाता है। शुरू में यह मोरक्को का पहला शाही शहर था। वहीं इसकी लाल मिट्टी की इमारतें, शाही महल और हरे भरे बगीचे शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। इतना ही नहीं, यह शहर जितनी खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी मानी जाती है। इसकी रंगीनियत पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल यहाँ तकरीबन 3 मिलियन पर्यटक आते हैं। वहीं मराकेश शहर अपने केंद्रीय बाजार और दारल बेदा पैलेस के लिए फेमस है। हालांकि ये पैलेस अब अस्पताल में तब्दील हो चुका है। मराकेश के बाद रबात शहर का स्थान आता है। ये मोरक्को की राजधानी और औद्योगिक केंद्र भी है। रबात ऊंचे स्मारकों और आबादी के लिए फेमस है। रबात मोरक्को के चार शाही शहरों में से एक है। कहते हैं यहाँ आए बिना किसी के भी मोरक्को की यात्रा पूरी नहीं होती है। मोरक्को का फेमस जेलाबास परिधान। मोरक्को को जेलाबास के लिए भी जाना जाता है। ये पुरुषों और महिलाओं का एक तरह का परिधान है। ये मोरक्को का पारंपरिक परिधान माना जाता है। मोरक्को में कदम रखते ही जेलाबास दिखने शुरू हो जाते हैं। ये एक तरह का कंधे से फर्श तक पहुँचने वाला ढीला ढाला परिधान होता है। ये गर्मी और ठंडी दोनों से बचाव करता है। जेलाबास को कपास और ऊन दोनों से बनाया जाता है। यही वजह है कि ये गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाता है, वहीं सर्द मौसम में जाड़े से भी बचाव करता है। मोरक्को का इतिहास और पारंपरिक त्योहारें। मोरक्को का इतिहास पूरा पाषाण युग से है। सदियों पहले मोरक्को में कई शक्तिशाली राजवंश आए और गए, लेकिन इसकी सबसे फेमस इश्डिड, सादी और अलाउइट राजवंश है। मोरक्को टेफोरोल्ट समेत इबेरोमोरसियन संस्कृति का हिस्सा था। मोरक्को का इतिहास फ्रांस और स्पेन से सत्ता की लड़ाई की कहानियों से भरी पड़ी है, क्योंकि मोरक्को ने सत्ता के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन ये आज़ाद नहीं हो पाया। मोरक्को 1956 में तब आज़ाद हुआ जब उसने खुद को स्पेन और फ्रांस से अलग कर लिया। मोरक्को के त्यौहार भी वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी मुस्लिमों की है। यहाँ इस्लाम धर्म का पालन किया जाता है। मोरक्को में कला, संगीत, धार्मिक त्योहारों के साथ रमजान महीने की काफ़ी महत्ता है। मोरक्को के माराकेच में पॉपुलर आर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसमें पेंटिंग, नृत्य, थिएटर और मनोरंजन के कई साधन होते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। मोरक्को में दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम द यूनिवर्सिटी ऑफ अल करावियन यानी अल कारावीन है। इस यूनिवर्सिटी को 1859 ईस्वी के आसपास स्थापित किया गया था। ये यूनिवर्सिटी आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना मोरक्को की एक धार्मिक महिला फातिमा अल फिहरिया ने की थी। उनकी ये मंशा थी कि विज्ञान और धार्मिक ज्ञान मोरक्को की जनता तक पहुंचाई जा सके। शायद यही वजह है कि अल करावीन यूनिवर्सिटी यूनेस्को की विश्व धरोहर है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।